हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीकली एंड मंथली रीडिंग्स। बात करते हैं पहले आपकी लव लाइफ की। कैप्रिकॉर्न, अगेन आप जगल कर रहे हैं, यू आर जगलिंग। आपके पास मे बी हो सकते देर आर टू पीपल, टू चॉइसेस, मे बी देर इज समथिंग। आप जजमेंट का वेट कर रहे हैं, आपको वेकअप कॉल दी जा रही है यहाँ पे, राइट? सो आप जगल कर रहे हैं। आपके पास मे बी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि टू चॉइसेस हैं, देर इज समबडी न्यू एंड यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग ओल्ड, और ऑलरेडी हो सकता है कि आप कुछ है यहाँ पे। नाउ देयर इज समथिंग, देयर इज समबडी न्यू, और मे बी हो सकता है दिस पर्सन इज न्यू, राइट? और वो आपकी तरफ लाइक आना चाहते हैं। कोडिपेंडेंसी इश्यूज है, कोई आपको लाइक करता है, समबडी इज हैविंग फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू, एंड यू आर लाइक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। येस, देयर आर टू पीपल, मे बी टू चॉइसेस, मे बी हो सकता है कोई यहाँ पे, देयर इज समबडी फ्रॉम द पास्ट एंड एज न्यू एज वेल। सो आप हो सकता है कि अभी भी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। देयर इज लाइक फॉर फ्यू ऑफ यू, हो सकता है, जरूरी नहीं है, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो सबको मैच करे ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ विद द टू ऑफ कप्स, मे बी इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत बहुत सारी फीलिंग्स हैं। मे बी लाइक दिस इज अ न्यू पर्सन, मे बी हो सकता है योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम विद द टू ऑफ कप्स। देखिए इक्वल लव है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लाइक ऑफर यू देयर लव, कोई ऑफर करना चाहता है आपको लव, और कोई आपकी तरफ आ रहा है, और मे बी कोई कुछ है यहाँ पे, देयर इज सम इशूज, मे बी मनी इशूज, मे बी कोडिपेंडेंट आप हैं उनके, कोई है यहाँ पे जो किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट हो रहा है। नाउ इन द नियर फ्यूचर देयर इज समथिंग, कुछ यहाँ एंड हो रहा है, एंड देयर इज बिगनिंग ऑफ अ न्यू लव मुझे दिखाई दे रहा है, विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स, विद द डेथ कार्ड एंड विद द लवर्स कार्ड। आप देख सकते हैं तीनों कार्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीट फैमिली कार्ड, एंड डेथ कार्ड इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एंडिंग, एंड देन अ लवर्स, अ सोलमेट, अ ट्विन फ्लेम, अ ब्यूटिफुल कनेक्शन। What is going on Capricorn? मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मे बी रिसेंटली कुछ रिलेशनशिप था जो ऑलरेडी एंड हो चुका है, या मे बी आप लेट को नहीं कर पा रहे, या मे बी आपको ये देयर इज समथिंग जो आप देख नहीं पा रहे और आप जगल कर रहे हैं। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। कोई चेंज तो आ रहा है डेफिनेटली। ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी, ये यहाँ पे ये गाना एकदम मेरे माइंड में आया। कैप्रिकॉर्न, हो सकता है आपके लिए कुछ हो इसके अंदर, कुछ नया कुछ पुराना, कुछ नया कुछ पुराना, क्या चल रहा है, कुछ है। सक्सेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, देयर इज समथिंग, बट आपको न्यू विजन रखने की ज़रूरत है। देखिए कार्ड इटसेल्फ से उस चीज़ में से बाहर निकलिए, मे बी हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी पुल बैक कर रही हैं, कुछ एनर्जीज हैं जो आपको अभी भी पुल बैक कर रही हैं। कम आउट ऑफ दैट जोन, उसमें से निकल के आइए प्लीज। देखिए ऊपर देखिए, यू हैव लाइक यू हैव द वर्ल्ड, सो
आप हो सकता है किसी चीज में अभी भी स्टक है, कुछ सोच रहे हैं कैप्रिकॉन पीपल. एंड देन वी हैव फाइटिंग, स्टॉप फाइटिंग विद योर सेल्फ. फाइव ऑफ सोट्स कुछ है, अपने आप से लड़िए मत, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, जस्ट गो विद द फ्लो. हो सकता है कि हम देखिए दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, हम सोचते हैं दैट वी आर द लाइक वी आर डूइंग एवरीथिंग, बट नो, डिवाइन इज डूइंग, सब कुछ वो कर रहे हैं. थिंक, टेक टाइम, एनालाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जस्ट थिंक कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, राइट? सो कुछ है यहाँ पे नया कुछ पुराना, सो यू नीड टू थिंक, यू नीड टू एनालाइज कि आपके लिए क्या अच्छा है, राइट? सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर योर लव लाइफ. आपकी बात कर लेते हैं करियर की. फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, करियर वाइज क्या चल रहा है? कैप्रिकॉर्न पीपल, बात तो कर रही हूँ आपकी मैं करियर की रीडिंग की, लेकिन एक गाना आ रहा है माइंड में, आई डोंट नो क्या चल रहा है आज कैप्रिकॉर्न पीपल. डूबा डूबा रहता हूँ यादों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी. डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी. अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, ला 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 ला. आई डोंट नो, आगे आगे आप देख लीजिएगा. आई थिंक सिल्क रोड का गाना बड़ा पुराना गाना है. आई डोंट नो वेयर इट कम फ्रॉम माई माइंड, बट कुछ तो है इस गाने से रिलेटेड. किस चीज़ का बर्डन है, किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं कैप्रिकॉर्न, क्या चल रहा है? स्लीपलेस नाइट्स यू आर हैविंग, किस चीज़ की वजह से? यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग, यू आर हाइडिंग समथिंग, बट देयर इज समथिंग न्यू कमिंग अप फॉर यू विद द एस ऑफ कप्स. समथिंग न्यू, समथिंग इज ब्रूइंग अप, राइट? एंड देन वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, प्रैक्टिकल, डूइंग, बी डिटरमाइंड, बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग, टेंशन नहीं लेने का. लेट्स सी, यस, कुछ नया मे बी हो सकता है, कुछ नए कोई क्लाइंट हो, नई कोई जॉब हो, यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स समथिंग न्यू. सो अगर आप जंप करने के लिए रेडी हैं, तो आपके एंजल्स आपको कैच करने के लिए रेडी है, राइट? तो देयर इज समथिंग, या हो सकता है आप डर रहे हैं, या आप हिचकिचा रहे हैं कुछ नया ग्रो करने में, या कुछ हो सकता है कुछ बिल्ड करने से, कुछ आगे बढ़ने से डर रहे हैं, बेसिकली हिचकिचा रहे हैं. Again we have ace of wands, then we have ace of cups, two aces, something new is coming. Excuse me. So yes, there is something new. There is something new. कुछ नया है, कुछ नया बिल्डअप हो रहा है, न्यू आइडिया, बट आप डर रहे हैं, आप कुछ आगे स्टेप लेने से डर रहे हैं. लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, कि उन्हें उनके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द डिवाइन. आप पोस्टपोन कर रहे हैं कुछ, यू आर थिंकिंग, यू आर एनालाइजिंग, यू आर बीइंग साइलेंट. ओ माय गॉड कैप्रिकॉर्न, आई डोंट बिलीव दिस, एवरीथिंग इज न्यू अराउंड यू. कुछ न्यू, कुछ एक्सेप्शनली न्यू एंड एक्सेप्शनली गुड इज इन योर वे, क्या चल रहा है? अगेन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ट्स, इट्स लाइक सोर्स, एवरीथिंग इज न्यू अराउंड यू. बट आप हो सकता है कि कुछ ओवर थिंक कर रहे हैं, कुछ कुछ डर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, एंड यू आर पोस्टपोनिंग, और मे बी यू आर टेकिंग रेस्ट, और थोड़ा साइलेंट है. मे बी कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट को लेके, या कुछ कुछ हो आपके पास प्लान, तो आप थोड़ा सा थिंक कर रहे हैं. डोंट वरी, समथिंग इज लाइक न्यू इज कमिंग टूवर्ड्स यू अगेन, राइट? सो हो सकता है आप थोड़ा सा रेस्टिंग फेज में, तो ज़्यादा चिंता ना करें, सो एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू, राइट? So that's all we have for all the Capricorn people. अगर आपको reading पसंद आए तो इसे like कीजिए, and do give a thumbs up to the reading, और channel को subscribe कीजिए, and comment भी कीजिए, share कीजिए, और मिलती हूँ आपसे next time. Till then take care, bye, अपना ख्याल रखिए.